चले अखाड़े कहस चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। अभी 6 बरस की उम्र हुई है, अभी हम 6 बरस के बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, आनंद से ले मौज ले रहे हैं। बाबा मस्तगिरी, नागा बाबा मैंत मस्तगिरी, अपनी मस्ती से मतलब है, दूसरे से मतलब नहीं। क्या कर रहा है, मौन मर गया, कौन जिंदा है, हल तो मतलब ना है। कालों का काल महाकाल, पता नहीं कब आ जाए वो काल, समय का कोई पता नहीं, अभी बैठे बैठे चला जाएगा। ओम नमो नारायण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से संगम किनारे पहुंचे तमाम संप्रदायों के हजारों साधु इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं साधुओं में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लेकर आम जनमानस के बीच भय की स्थिति बनी रहती है। साधुओं के इस वर्ग को अघोरी समुदाय कहते हैं। कुंभ का सबसे पहले उल्लेख 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकले 14 रत्नों में से एक अमृत कलश भी था। असुरों से अमृत कलश की रक्षा करते हुए इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की तरफ भागे। इस दौरान 4 जगहों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत गिरा। मान्यताओं के मुताबिक अमृत कलश को स्वर्ग तक ले जाने में 12 दिनों का समय लगा। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के मेले के दौरान यहां होने वाले स्नान आकर्षण का केंद्र होते हैं। शाही स्नान के लिए अखाड़ों का भव्य स्वागत किया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 21 जनवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी, 19 फरवरी और 4 मार्च को स्नान की तिथियां घोषित की गई हैं, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन ही शाही स्नान होगा। यदि कुंभ में आपकी भी आस्था है तो प्रयागराज आपका इंतजार कर रहा है। संगम का पुण्य कमाले, लगाले डुबकी भाग जगाले, हर हर गंगे जय महागंगे, मस्त मलंग जयकार लगाले। Thank you.
वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपने